गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम 12th का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। अब ये डिमांड क्या है? सबसे पहले डिमांड जो है वो कंज्यूमर से डील करता है, मतलब कंज्यूमर की साइकोलॉजी यहाँ पे कैसी होगी, अलग अलग प्राइजेस में कैसे कैसे वो गुड्स परचेज करेगा। ऑफ कोर्स ये है पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। डिमांड मतलब क्या? जनरल अगर उसका मीनिंग देखा जाए तो डिमांड मतलब होता है किसी भी चीजों की डिजायर करना, ठीक है। लेकिन एज पर इकोनॉमिक्स डिमांड मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता है। डिमांड मतलब यहां पे आपको तीन चीजें इंक्लूड कर की जाती है एज पर इकोनॉमिक्स: डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। मतलब अगर ये तीनों चीज एक साथ कंबाइन हो जाए तो आपकी डिमांड पूरी हो सकती है, ऐसा इकोनॉमिक्स के टर्म्स के हिसाब से कहा जाता है। डिमांड तब पूरी होती है। अब ये जो डेफिनेशन है जो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया कि डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, ये तीनों का मतलब एग्जैक्टली हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि एग्जाम्पल में ये तीनों चीजें कैसे फिट होती है और ये जो बात बोली जा रही है कैसे प्रूफ हो रहा है। सबसे पहले अगर कोई भी इंसान होगा, जैसे एक भिखारी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बेगर है, वो अगर चाहता है कि उसके पास कार हो, ठीक है, मतलब वो क्या चाह रहा है, उसके पास कार हो, उसकी डिजायर क्या है, उसके पास कार होनी चाहिए। लेकिन क्या उसकी क्षमता है? क्या वो उतना पैसा पे कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, मतलब सिर्फ डिजायर होने से आपकी डिमांड पूरी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ डिजायर से डिमांड पूरी नहीं होते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसकी डिजायर है कार लेना, ठीक है, उसके पास उसकी विलिंगनेस टू परचेज भी है, मतलब उसकी इच्छा शक्ति भी है कि हाँ वो इतना वो चीज खरीद सकता है, और उसकी एबिलिटी भी है, मतलब उसकी इनकम भी है। गरीब इंसान की इनकम तो नहीं होती ना उतनी, उसका सपना तो होता है लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं होती है, और उसका इच्छा शक्ति भी परचेस की नहीं होती है। मतलब जब तक ये तीनों चीजें कंबाइन ना हो तब तक किसी की, इंसान की डिमांड या फिर कंज्यूमर की डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इसका मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होना चाहिए, डिजायर के साथ में क्या चाहिए आपको? एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेस। ये तीनों चीजों कंबाइन होनी चाहिए तब जाकर किसी भी इंसान की डिमांड पूरी हो सकती है। मतलब डेफिनेशन में आपको यही बात बोली जा रही है, ठीक है, और इसी को मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, राइट। अब हम डिमांड जो शेड्यूल है उसके बारे में चलते हैं और उसमें क्या एग्जैक्टली लिखा है। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, सबसे पहले ये समझना है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इसका मतलब ये जो शेड्यूल है ये आपको क्या शो करना चाहता है, किसका रिलेशनशिप? प्राइस और डिमांड का, क्वांटिटी डिमांड का, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी आप कितना परचेस करोगे पर्टिकुलर प्राइस में, इसको ये डिमांड शेड्यूल आपको रिप्रेजेंट कर बताएगा, ठीक है। और डिमांड जो है वो टू टाइप्स के हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे, और मार्केट डिमांड किसको कहेंगे? मार्केट डिमांड मतलब होगा जिसमें सारे कंज्यूमर्स होंगे, जितने भी कंज्यूमर होंगे उन सब की डिमांड को ऐड करो और उसको कहा जाएगा मार्केट डिमांड, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहता है उसको समझते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस गिवन एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पर्टिकुलर प्राइस में पर्टिकुलर समय पे एक कंज्यूमर कितने क्वांटिटी परचेज करेगा, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप यहां पे आपको देखने मिलता है इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ में। मतलब एक इंसान पर्टिकुलर कमोडिटी को कितने प्राइस में खरीदेगा पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो यहां पे इसको कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसमें आपको इंडिविजुअल कमोडिटी अलग अलग प्राइजेस में वो कितना खरीदता है, जैसे आपको शेड्यूल दिख रहा होगा एक छोटा सा उसमें, और उस शेड्यूल में बताया गया है एग्जाम्पल देकर कि जब 10 रुपीज प्राइस होती है तो वो कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, 1 यूनिट। जैसे ही प्राइस कम हुई उसने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, 2 क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस और कम हो रही है वो क्वांटिटी परचेज और बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे जैसे प्राइसेस कम होगी
क्वांटिटी डिमांड हम ज़्यादा खरीदेंगे। इसका मतलब कंज्यूमर की साइकोलॉजी कैसी है, प्राइजेस कम होगी तो वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देगा, और अगर प्राइजेस बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड उसकी कम हो जाएगी। देखिए अगर आप इसको समझें अगर इस पॉइंट को, तो यहाँ पे कंज्यूमर के पूरी की पूरी साइकोलॉजी यहाँ पे बताई गई है, पूरा का पूरा उसका स्टेटस दिमाग का बताया गया है कि वो कैसे बिहेव करता है। एक्चुअली यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को बताया गया एग्जैक्टली कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, अलग अलग प्राइजेज में अलग अलग क्वान्टिटी वो कैसे परचेज करता है। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल शेड्यूल। और अगर आप ग्राफ को भी देखोगे इसका, तो ग्राफ में भी वही रिप्रेजेंट हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ग्राफ में यही रिप्रेजेंट किया है कि जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और जब सिंपल सी बात है, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे रिप्रेजेंट यही किया गया है ग्राफ में भी। अगर ग्राफ देखेंगे आप, तो ग्राफ में जो डिमांड शेड्यूल बन रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखकर क्वांटिटी गुड्स को बढ़ाता है। मतलब प्राइस अगर कम होती है तो वो चीज़ों को ज़्यादा परचेज करेगा, क्योंकि उसको सस्ती चीज़ें चाहिए, और क्वांटिटी वो इंक्रीज तब करेगा। ठीक है, तो ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसका ग्राफ जो हमने डिस्कस किया। और इसीलिए कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मतलब कभी भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो आप उसमें इस तरह से रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है, इसीलिए डाउन ही देख लेते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो जितने भी मार्केट में कंज्यूमर है उन सब कंज्यूमर की डिमांड को टोटल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड। मतलब जैसे आपको वहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ कंज्यूमर दिए ए बी सी, मतलब तीन कंज्यूमर है वहाँ पे, एग्जांपल लेकर उन्होंने तीन कंज्यूमर की टोटल दिखाई है, और अलग अलग प्राइजेज में अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड परचेज करेंगे। जैसे आप शेड्यूल में देखोगे टेबल पे चार्ट पे, उसमें क्या दिया है कि जब 10 रुपीज़ प्राइस होती है तो कंज्यूमर ए कितना खरीदता है, 5 क्वांटिटी, बी 10 क्वांटिटी, सी 15 क्वांटिटी, टोटल अगर आप उसका देखते हैं तो टोटल आपको दिया है 30। इसका मतलब 30 जो है वो क्या है, मार्केट डिमांड है। वैसे ही जैसे ही प्राइस कम हुई, प्राइस 8 रुपीज़ हो गई, तो वहां पे ए कितना परचेज कर रहा है, 10, बी 15 क्वांटिटी एंड सी 20, और इन तीनों का जो टोटल है वो 45 आ रहा है। 45 क्या है एग्जैक्टली, 45 इट इज अ मार्केट डिमांड। ठीक है, अगर हम एक कंज्यूमर का देखें तो क्या माना जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन तीनों कंज्यूमर को ऐड कर देख रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखोगे उसमें भी, अगर आप देखोगे एनालिसिस करोगे तो आपको एक ही पॉइंट नजर आ रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है मार्केट डिमांड वहां पे इंक्रीज हो रही है। इंडिविजुअल में भी हमने यही देखा था, लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ सिंगल कंज्यूमर था, यहाँ पे आपको सारे कंज्यूमर लेने हैं। ठीक है, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। इसमें भी सेम चीजें हैं, इसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप आपको दिखेगा, इसमें भी जो उसका कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज करेंगे अलग अलग प्राइजेस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजेंटल सबमिशंस ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर। वहां पे हॉरिजेंटल सबमिशन किया जा रहा है, ए बी सी का हॉरिजेंटल टोटल वहां पे आपको मिलेगा, और इट इंडिकेट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप आपको दिखेगा कि जैसे जैसे प्राइस घटती है डिमांड बढ़ेगी, और अगर उसका कर दो उल्टा तो वो इनवर्स रिलेशन वहां पे भी दिखने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मार्केट डिमांड की बात करें तो उसमें भी कंज्यूमर वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे इंडिविजुअल डिमांड में बिहेव करता था। ठीक है, और इसमें अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो उसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है एग्जैक्टली, क्योंकि ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो ये था ओवरऑल आपका मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, ये हमने ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहने के लिए मेरे चैनल पे तहे दिल से आपका धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, बाय बाय।